नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो पजल्स बनाएंगे, आज चार पजल बनाएंगे। दोस्तों, एक रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मेरा 2 जुलाई से चालू हुआ है, जो कि चल रहा है अभी। आज इनइक्वालिटी की क्लास हुई थी। कितने लोग थे क्लास में, मजा आया कि नहीं भाई? और क्वांट का कोर्स कल से स्टार्ट होने वाला है, अर्थमेटिक प्लस डीआई। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड का या फिर AL10, इन दोनों में से कोई सा भी कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए चालू करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। स्टैंडर्ड टाइम 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए कितने लोगों का सॉल्व हो गया, एक बार यस कर दीजिए जल्दी से। सिर्फ 51% लोगों का हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, 8 मेंबर जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नो टू सक्सेसिव मेंबर्स आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी आसपास नहीं बैठे होंगे, ठीक है? तो एक रो है जिसमें कि 8 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? एक और बना लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे सिंगल में बन जाएगा, बट फिर भी जो नए हैं उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है? बाकी लोग सिंगल में बनाने की कोशिश करिए। जे डज नॉट सिट विथ की के, जे जो है वो के साथ नहीं बैठता, जे और के दोनों साथ में नहीं बैठते। सिमिलरली के डज नॉट सिट विथ एल एंड जे एंड सो। अच्छा, ये तो वो बता रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला बता रहा है ये, ठीक है? ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए बता रहा है कि भाई जे जो है वो के साथ नहीं बैठेगा, के जो है वो एल के साथ नहीं बैठेगा। तो यहां से कंडीशन स्टार्ट होती है, इधर जे और क्यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इधर जे और क्यू सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, या तो जे या तो क्यू में से कोई एक पर्सन एंड पर बैठा है। जे इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, जे जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है क्यू से, जे जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है क्यू से। तो ऐसा हो सकता है कि भाई जे यहां पर हो और थर्ड टू लेफ्ट मतलब ये क्यू यहां पर हो, क्योंकि क्यू से पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, या फिर क्यू भी एंड पर हो सकता है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एल सिट्स सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू राइट ऑफ ओ, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। एल सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ओ, एल जो है वो सेकंड टू राइट में है ओ से, और ओ जो है वो जे के बगल में नहीं बैठा। नीदर ओ नॉर एल सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ओ और एल ये दोनों ही एंड्स पर नहीं होंगे। के सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एन, के जो है वो एन के सेकंड टू राइट पर बैठा है, ठीक? कहां पर सेट कर सकते हो दोस्तों? आपके पास क्या था, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आप ये पूरी चीजें यहां पर देख सकते हो। अब दोस्तों समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको ओ के एक छोड़कर राइट साइड में एल को रखना है तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनती है।
भाई ओ को आप यहाँ पर ले नहीं सकते क्योंकि सेकंड टू राइट में कुछ है नहीं, ओ को आप यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि वो जे के बगल में नहीं है, ओ को आप यहाँ पर भी नहीं ले सकते क्योंकि जे के बगल में ओ नहीं है, ओ को आप यहाँ पर भी नहीं ले सकते क्योंकि एक छोड़कर राइट में एल नहीं रख पाओगे, तो आपके पास एक ये जगह बचती है सिर्फ, क्योंकि ओ तो एंड पे भी नहीं है ना, तो सिर्फ यही जगह बचती है ओ से एल के लिए, तो सेट कर दो इसको, ये हो गया ओ, ये हो गया एल। सेम चीज ऊपर वाले में भी चेक करते हैं भाई हम, ओ जो है वो जे के बगल में नहीं है, ओ को अगर हम यहां पर रखते हैं तो एल यहां पर आ जाएगा, अगर हम ओ को यहां पर रखते हैं तो एल यहां पर आ जाएगा, बस दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसको बना लेते हैं भाई, ये देखो ओ से एल या फिर ओ से एल, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही आपके पास। आगे आपको क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि एन से सेकंड टू राइट में के होना चाहिए, रुक जाओ रुक जाओ, एन से सेकंड टू राइट में के होना चाहिए, एन के सेकंड टू राइट में के होना चाहिए, कहां पर रख सकते हो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, एन जो है वो ओ के बगल में तो हो नहीं सकता भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, तो एन जो है वो ओ के बगल में तो हो नहीं सकता, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई आपकी पूरी की पूरी, हाँ या ना, ये गलत हुई कि नहीं भाई, एन जो है यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां रखोगे तो सेकंड में कुछ रख ही नहीं सकते, ये कंडीशन गलत हो गई भाई, रखने की जरूरत ही नहीं, इसको हटा दो। अब इस वाले में देखो, इस वाले में देखो भाई क्या दिख रहा है आपको, एन को अगर आप यहां पर रखते हो ऐसा, एन को अगर आप यहां पर, अरे यार क्या हो रहा है, ये देखो ये एन से एक छोड़कर के है ना, अगर आप एन को यहां पर रखते हो तो सेकंड टू राइट में आप के नहीं रख पाओगे, एन को यहां रखते हो तो भी के नहीं रख पाओगे, एन को यहां रख के ही के रख पाओगे बस, तो एन को यहां रखो और के को यहां रखो। अब ये चीज को चेक करिए थोड़ा सा, क्या ये सही है, जे के बगल में के नहीं होना चाहिए, नहीं है, के बगल में एल नहीं होना चाहिए, बट के बगल में तो एल आ गया, ये तो गलत हो गया, ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ये गलत है भाई कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। अब इस वाले में अगर हम चेक करें एन और के को, तो कहां रख सकते हो, एन को यहां नहीं रख सकते, एल के बगल में एन को रख सकते हो यहां पर, के को रख सकते हो यहां पर। अब देखिए जे के एल, ठीक है, एम जो है वो एन के बगल में नहीं आएगा तो एम यहां पर आ जाएगा, फिर एन ओ पी और ये क्यू, ये आपका सॉल्व। इसको आप डायरेक्ट एक कंडीशन में कैसे कर सकते थे दोस्तों, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाकर, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाकर आप इसको सिंगल उसमें कर सकते थे, कैसे भाई, सिंपल सी चीज है, जब हमको नहीं पता होता कहां से करना है तो क्या करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दो हमेशा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये रखे जे दो छोड़कर क्यू था, इसके बाद कौन सी कंडीशन थी भाई आपकी, जे इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ठीक है, ओ को यहां पर रखे, एल को यहां पर रखे, इसके अलावा आपके पास क्या बच रहा था, एन और के, एन को यहां रखे, के को यहां रखे, एन के बगल में एम नहीं आ सकता, एम यहां आएगा, एक लास्ट आपके पास जो बच गया पी, उसको यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व, सिंगल में बन जाता है, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी तेजी से सोच सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम, ओ एल कैसे सेट किए, कौन सा ओ एल, चेक करके तो दिखाया था ना, ओ एल गलत हो रहा था ना भाई, दो ही तो जगह बच रही थी आपके पास, ध्यान से देखा करो चीजों को, देखो मैं पहली बार जब बताता हूँ तो तीन तीन पॉसिबिलिटी लेकर बता रहा हूँ, दो दो तीन तीन, तो उस समय तो ध्यान से देखा करो, सिंगल नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जो पूरा समझा रहा हूँ उसको तो ध्यान से देखो, देखिए पेपर में सारे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे भैया यहां पर n था ना, तो n के बगल में m को आप नहीं ले सकते ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, k l m n, m और n जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं ना, तो साथ में नहीं हो सकते, इसलिए m इस तरफ आया था और यहां पर p आया था।
कितने लोगों का बन गया यस करो। फोर्टी 8%। देखिए क्या बोल रहे, देयर आर सेवन फ्रेंड्स बी सी डी ई एफ जी एच, ईच ऑफ देम हैज एंट्रेंस एग्जाम इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली वन फ्रेंड हैज एंट्रेंस एग्जाम ऑन ईच डे। भाई मंडे से संडे बोला है तो चलो बना लेते हैं मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, थ्री फ्रेंड्स हैज एंट्रेंस एग्जाम बिटवीन बी एंड जी, जी हैज एंट्रेंस एग्जाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर व्हेन बी हैज एग्जाम, मतलब बी के बाद जी होगा और तीन दिन का गैप है बीच में। क्या बोल रहा है, थ्री फ्रेंड्स हैज एंट्रेंस एग्जाम बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में तीन है, जी हैज एंट्रेंस एग्जाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर बी, मतलब बी के बाद किसी दिन में है जी का और तीन का गैप है बीच में। आगे आपको बोल रहा है ओनली वन फ्रेंड हैज एंट्रेंस एग्जाम बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का एग्जाम होता है। टू फ्रेंड्स हैज एंट्रेंस एग्जाम बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में दो लोगों का एग्जाम है, ठीक है। ओनली वन फ्रेंड हैज एंट्रेंस एग्जाम बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का एग्जाम होता है। ई डज नॉट हैज एंट्रेंस एग्जाम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द डे व्हेन एच हैज एग्जाम, ई का एग्जाम एच के जस्ट पहले और जस्ट बाद में नहीं होगा, ठीक है। ई हैज एंट्रेंस एग्जाम जस्ट आफ्टर द डे व्हेन डी हैज एग्जाम, E का एग्जाम डी के जस्ट बाद वाले दिन में होगा। सी हैज एंट्रेंस एग्जाम नीदर ऑन फर्स्ट डे नॉर ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक, सी का एग्जाम पहले दिन और आखिरी दिन में नहीं होगा। अब दोस्तों कॉमन सेंस लगाते हैं यहां पर, चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बाकी पॉसिबिलिटी बनाइए। देखो क्या बोल रहा है भाई, आपको सिंपल सी चीज है, बी तीन छोड़कर जी लेना है, बी एक दो तीन छोड़कर जी, बी एक दो तीन छोड़कर जी, बी एक दो तीन छोड़कर जी, ठीक। ध्यान से सुनिएगा भाई, अब आपको पता है बी से एक छोड़कर एच चाहिए, तो बी से एक छोड़कर ये एच हो गया, बी से एक छोड़कर ये एच हो गया, इस वाले को अभी रहने दो क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक। अब ये वाले में देखिए दोस्तों, एच से दो छोड़कर आपको सी चाहिए, एच से दो छोड़कर आपको सी चाहिए और सी से एक छोड़कर आपको एफ चाहिए, तो सी से एक छोड़कर एफ हो गया, कंडीशन गलत, हाँ या ना, गलत होगी ना, क्योंकि डी और ई के लिए दो स्पेस चाहिए थी, वो नहीं बच रही आपके पास। जब ये वाली कंडीशन को देखते हैं तो इसमें भी आपके पास कंडीशन नहीं बच रही, नहीं बच रही ना भाई, डी के जस्ट नीचे ई रखना है, कहां रखोगे, दो जगह दिख रही है क्या, कहीं पर नहीं दिख रही भाई। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो कॉमन सेंस लगाओ यहां पर, कि जब बी से एक छोड़कर एच चाहिए, एच से दो छोड़कर सी चाहिए, सी से एक छोड़कर एफ चाहिए, तीनों को मर्ज कर दो। चलो इसमें चेक करते हैं, बी से अगर मैं ऊपर की तरफ में लेता हूं एक छोड़कर एच, एच से दो छोड़कर सी और सी से एक छोड़कर एफ लेना है, तो एफ को यहीं पर ले लो ताकि डी और ई यहां पर आ जाए, सॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं हम फिंगर रूल। कैसे कैसे चेक किया भाई, फिंगर्स को रखते हुए, भाई आप फिंगर्स को रखते हुए चेक कर सकते हो ना, कि भाई अगर यहां पर बी है, बी से अगर मैं एक छोड़कर ऊपर की तरफ में एच को लेता हूं, एच से दो छोड़कर अगर मैं यहां पर सी को लेता हूं, तो C से ऊपर की तरफ यहां पर F को ले लो ताकि ये वाली जो दो जगह बची है यहां पर D और E आ जाए, सॉल्व हो गया भाई आपका। B से, फिर से बता रहा हूं, B से एक छोड़कर H, H से दो छोड़कर C, C से एक छोड़कर F और ये दो जगह दिख रही है आपको D और E के लिए, तो ये D और ये E। अब देखो H के जस्ट ऊपर नीचे E दिख रहा है क्या आपको, H के ऊपर नीचे E नहीं दिख रहा, तो ये आपका सॉल्व हो गया। समझ में आया सभी को, फिंगर रूल लगाओ यार, तीन तीन पॉसिबिलिटी बनाने से बेस्ट है फिंगर रूल लगाओ, आप ऐसे चेक किया करो ना भाई, ये यहां होगा तो ये ऐसा होगा तो ये गलत हो जाएगा, कॉमन सेंस। जिनको नहीं आया था मैं बता रहा हूँ फिर से देखना कैसे चेक करते, बाकी लोगों के वाला क्वेश्चन बनाओ, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और कंडीशन लिखते साथ याद हो जानी चाहिए। देखो अभी मेरे को लगभग 70-80% तो याद हो गई, बी से तीन छोड़कर जी था, ठीक है, उसके बाद क्या था, बी से एक छोड़कर एच था, एच से दो छोड़कर सी था,
सी से एक छोड़कर एफ था और डी के नीचे ई था, ऐसा कुछ था ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज भाई, बी को अगर मैं यहां रखता हूं, तीन छोड़कर जी को यहां रखता हूं ठीक, तो बी से एक छोड़कर एच यहीं पर आएगा, एच से दो छोड़कर सी यहीं पर आएगा, डी और ई वाली कंडीशन गलत, ऐसे ही चेक हाथ से ही रख के चेक, गलत नहीं हो सकता, डी और ई के लिए जगह नहीं बच रही। अब एक बार बी को नीचे रखते हैं, बी को अगर यहां रखेंगे, तीन छोड़कर जी जो है वो यहां पर आ जाएगा, बी से एच जो है वो यहां पर आ जाएगा, कंडीशन गलत। दिख रहा है ना भाई, दो स्पेस नहीं दिख रही डी और ई के लिए। अब लास्ट एक ही चीज बचती है आपके पास, ये वाली, बी को यहां रखो, तीन छोड़कर जी को यहां रखो, तो इसको सेट कर दो बी और जी। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, अब फिर से वही चीज को चेक करो, बी से या तो आप एच ऊपर लेते हो या तो नीचे लेते हो, तो ऊपर लेकर चेक कर लो पहले, बी से एच, एच से दो छोड़कर सी, सी से एफ और डी और ई, हो गया सॉल्व। बी से एच, एच से दो छोड़कर सी, सी से एक छोड़कर एफ, डी और ई, क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है भाई एग्जाम में, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, मेमोरी पावर बढ़ाओ अपना, वरना लोगों से पीछे ही रहोगे हमेशा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो पीछे ही रहोगे, दूसरे आपके ऊपर ऐसे पांव रखकर आगे निकल जाएंगे और आप देखते रह जाओगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाओगे। मेहनत करनी है तो आप ही को करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए मेहनत। इसमें देखिए क्या बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है नाइन बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव बॉक्स बी, ए जो है वो बी के ऊपर है। There are as many boxes are placed above box E as below F. E के ऊपर जितने F के नीचे उतने. Three boxes are placed between O and R, which is placed just above S. तीन boxes O और R के बीच में हैं. R which is placed just above S. तो R जो है वो S के just ऊपर है. T is placed just above A. T जो है वो A के just ऊपर है. Only one box is placed below box O. O के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉक्स है। यहाँ पर कितने बॉक्स थे? नौ थे। नौ, आठ, सात, छः, पांच, चार, तीन, दो, एक। वैसे इसमें आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? डॉट ट्रिक से आप बना सकते हो, बट ये मैं नए स्टूडेंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स ओ, मतलब कि ओ जो है वो सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अब आपको आगे क्या पता है भाई कि O से तीन छोड़कर R होना चाहिए, तो O से एक दो तीन छोड़कर R हो गया, O से तीन छोड़कर R हो गया, R के नीचे S हो गया, R के नीचे S हो गया, इतनी चीजें सेट हो गई। आगे क्या बोल रहा है, D is placed above E and below B. D is placed above E, E के ऊपर है और B के नीचे है, और B जो है वो A के नीचे है, इतनी चीजें दिख रही है आपको ठीक है। अब देखो ये ए के ऊपर तो टी भी होना चाहिए, तो भाई ए के ऊपर टी भी है, ए के ऊपर आपको टी भी दिख रहा है, ये वाली कंडीशन तो हो गई ना, इसको हटा देते हैं, ये हो गया है, ये दोनों को मर्ज कर दिया हमने, इसको हटा देता हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वाली जो चीज है इसको मैं और भी लिख लेता हूं ऐसा, ये टी ऊपर है, फिर ए है, बी है, डी है, ई है, ध्यान से देखना इसको भाई। अगर ये टी ए बी को अगर मैं ऐसे रखता हूं, टी यहां पर, ए यहां पर, बी यहां पर, डी यहां पर, ई यहां पर, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, मतलब आप ई को यहां पर नहीं रख सकते, तो आपके पास ई के लिए कौन सी जगह बचती है? सिर्फ यही वाली बचती है, हाँ या ना? देखो कॉमन सेंस होता है दोस्तों, जब आपको पता है कि ई के ऊपर ये वाले चार बंदे आने ही वाले हैं, तो टॉप से चेक करो ना, एक दो तीन चार, ये तो आने ही आने हैं। अब यहां पर अगर आप ई को रखते हो, ई अगर नीचे से दो छोड़कर है, तो ऊपर से दो छोड़कर आपको क्या रखना था? एफ रखना था, बट आपने तो यहां पर बी रख दिया। अगर यहां ई नहीं आ रहा तो सिर्फ नीचे ही रख सकते हो, ऊपर नहीं रख सकते, एक ही जगह बचती है, ई को यहां पर रखो। जैसे ही ई लास्ट में आया, तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से F ऊपर आ जाएगा, E के ऊपर जितने, F के नीचे उतने। अब आपके पास क्या बच रहा है? T और A जो है साथ में है, ये T, ये A, बचा क्या था भाई? B और D, तो B और D, ये हो गया सॉल्व। ये दूसरा तो सिर्फ मैं ऐसी ऐसी बना दिया था देखने के लिए, जरूरत ही नहीं है।
ईएफ का बता दीजिए फिर से। अरे आपको क्या बोल रहा है, ई के ऊपर जितने एफ के नीचे उतने, इस कंडीशन का एक जस्ट वाइस वर्सा भी होता है, आप इसको जस्ट ऑपोजिट तरीके से भी बोल सकते हो, ई के नीचे जितने एफ के ऊपर उतने। तो भाई अगर ई जो है वो लास्ट में आ गया एकदम बॉटम पे वन पे, तो डेफिनेटली एफ टॉप पे आएगा ना भाई, ई के नीचे जितने, तो ई के नीचे कुछ भी नहीं है तो एफ के ऊपर भी कुछ नहीं होगा, ये दोनों वाइस वर्सा होता है, आप दोनों चीजों को बोल सकते हो, ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा भी होता है। कितने लोग हैं जो सॉल्व कर चुके, यस कर दीजिए एक बार जल्दी से। चलो 2 मिनट का समय और दे रहा हूं, जो लोग नहीं कर पाए हैं जल्दी जल्दी कर लीजिए। पच्चीस सौ लोग हैं आज। अनअकैडमी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कल से मेरा क्वांट का कोर्स चालू हो रहा है, अर्थमैटिक, अर्थमैटिक प्लस डीआई, अर्थमैटिक प्लस अर्थमैटिक डीआई और हाई लेवल डीआई। तो बेसिक पहले आपका क्लियर होगा, बेसिक करने के बाद उसके बाद फिर डीआई हम बनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर डीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको बनाने के बाद समय ही नहीं बचता है। तो डीआई पर फोकस करिए अच्छे से, अभी से, आज से, ये नहीं कि टाइम निकल जाए और बाद में फिर पछता रहे हो बैठ के। जैसे रीजनिंग का सबसे वास्ट पोर्शन होता है पजल, सबसे बड़ा पोर्शन होता है पजल, बिल्कुल वैसे ही क्वांट में डीआई होता है सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन। चलिए कितने लोगों का हो गया एक बार जल्दी से यस कर दीजिए। बैंकिंग क्रॉनिकल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। और 12:30 बजे बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर क्लास होने वाली है, नोट कर लो भाई, जिनको याद नहीं रहता नोट कर लो, बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम और यूट्यूब, और 12:30 बजे बैंक प्रो पर क्लास होगी पजल की, जिसमें मॉडरेट लेवल का पजल करेंगे। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड द रेस्ट आर मिडिल ऑफ द साइड, द वन सिटिंग एट द कॉर्नर्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द टेबल एंड द वन सिटिंग एट मिडिल ऑफ द साइड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। ये चीज आप लोगों को फास्ट ही पढ़नी पड़ेगी भाई एग्जाम में, आराम आराम से पढ़ते रहोगे तो हो गया काम। अब देखिए यहां पर आपको क्या बोला है, द वन सिटिंग एट मिडिल ऑफ द साइड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, जो मिडिल ऑफ द साइड में है ये लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जो कॉर्नर वाले होंगे ठीक है वो अवे फ्रॉम द टेबल देख रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको आगे क्या बोल रहा है यहां पर, टी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एस, टी जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है एस से, टी जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है एस से, ये देखो एस का पहला राइट ये दूसरा राइट। आगे क्या बोल रहा है, आर इज नॉट नेबर ऑफ एस, आर जो है वो एस का नेबर नहीं है, यू इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, W का नेबर U नहीं होगा, P does not sit next to R, P जो है वो R के next में नहीं बैठता, P is sitting opposite to U, P जो है वो U के opposite में बैठता है,
टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर, दो दो पर्सन बैठते हैं टी और आर के बीच में, ठीक है। डब्ल्यू इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, डब्ल्यू इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकेंड टू लेफ्ट में बैठता है डब्ल्यू के, डब्ल्यू जो है वो क्यू के सेकेंड टू लेफ्ट में है। यू डज नॉट फेस टूवर्ड्स द सेंटर, यू जो है वो इनसाइड फेस नहीं करता, मतलब यू आउटसाइड फेस करेगा। थ्री पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी, तीन पर्सन बैठते हैं आर और वी के बीच में, तो आर और वी के बीच में अगर तीन पर्सन बैठते हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आर जो है वो सामने होगा क्योंकि आठ लोगों का अरेंजमेंट है, आर और वी के बीच में अगर तीन लोग हैं तो मतलब दोनों आमने सामने होंगे। कहां से स्टार्ट करोगे जल्दी बताओ? चलो एस की बात कर रहे हैं भाई, एस के राइट में टी बैठा हुआ है, एस के राइट में टी बैठा हुआ है। लेट सपोज एस यहां पर है, सेकंड टू राइट में टी यहां पर है। लेट सपोज एस जो है इधर बाहर की तरफ देख रहा है, वैसे इनसाइड से चालू करते हैं हमेशा, ठीक है, इनसाइड से चालू करते हैं वैसे, बट वेट करो थोड़ा सा। एस अगर यहां पर बैठा है तो टी यहां पर बैठा है, अरे देखो तो सही यार। अब देखो दोस्तों, जब आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर प्लस क्रॉस का कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक अरेंजमेंट में एक प्लस होता है ऐसा, ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये प्लस होता है इस वाली कंडीशन के लिए यूज होता है ना ये प्लस और क्रॉस का मेथड। कभी भी आपको ऐसी वाली कंडीशन दिखती है पूरे क्वेश्चन में तो ये प्लस और क्रॉस का कंसेप्ट यूज हो सकता है, वेट करो ना। तो भैया जब पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में आपको इनको रखना है, या फिर ये वाली लाइन ऐसा क्रॉस की और ये वाली लाइन में ऐसा आपको रखना है, जब आपको पता है कि यू आउटसाइड फेस कर रहा है, यू जो है ये आउटसाइड फेस कर रहा है, मतलब पी और यू तो इसी वाले पे आने चाहिए थे, पर अगर आप एस को यहां लेते तो क्या हो जाता भाई, ये वाली लाइन भी आपकी वेस्ट हो गई, ये लाइन भी वेस्ट हो गई, क्योंकि आप इसमें भी पी और यू को नहीं रख पाओगे, आप इसमें भी पी और यू को नहीं रख पाओगे, तो कंडीशन गलत हो रही है ना। तो प्लस क्रॉस का कंसेप्ट जो है बहुत बेस्ट होता है भाई, तुरंत चेक कर लिया करो रखने के पहले। तो इसीलिए हम एस को लेंगे डायरेक्ट इनसाइड। जो लोग पूछते हैं ना सर एस को इनसाइड ही क्यों, इसलिए मैं ये बता रहा था, तो देख लो भाई एस को इनसाइड क्यों ले रहे हैं भाई, मिनिमम पॉसिबिलिटी के पीछे भी कुछ रीजन होते हैं, तो इसलिए हम लेंगे एस को इनसाइड। अब एस के सेकंड टू राइट में टी आ जाएगा यहां पर ऐसा। अब किस चीज को सेट करोगे भाई जल्दी बताओ? आर और वी को, टी और आर को, चलो ठीक है टी और आर को देखते हैं भाई। अभी हमको पता है कि टी और आर के बीच में दो पर्सन है, तो टी से आर जो है वो यहां पर भी हो सकता है, टी से आर यहां पर भी हो सकता है। आपको नहीं पता, आपको तो नहीं पता ना, तो कहीं पर भी ले लो, चलो कहीं पर भी ले लो, हम यहां पर ले लेते हैं चलो आर को पहले। अगर हम आर को यहां पर लेते हैं तो वी यहां पर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम आर को इस तरफ लेते हैं तो वी यहां पर हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा आपके पास क्या बच रहा है, पी और यू बच रहा है, तो पी और यू के लिए ये वाली जगह बचती है, एक कोई यहां पर आएगा एक कोई यहां पर आएगा। अब पता है कि क्यू के लेफ्ट में ही डब्ल्यू होना चाहिए, तो क्यू को यहीं पर रखना पड़ेगा, नहीं क्यू को इस तरफ रखना पड़ेगा। ये देखो क्यू को यहीं रखोगे तभी तो लेफ्ट में डब्ल्यू होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो आपके पास एक कंडीशन थी, कौन सी? डब्ल्यू जो है वो यू के बगल में नहीं है। अगर W जो है वो U के बगल में नहीं है, मतलब यहां पर P होगा कंफर्म, और यहां पर कौन हो जाएगा? U हो जाएगा कंफर्म। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने T से R को ही इस तरफ क्यों लिया? तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, देखो बता रहा हूं आपको, कॉमन सेंस की बात है कि जब टी से दो छोड़कर आपको आर रखना है तो टी से दो छोड़कर आर आप यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि आर जो है वो एस का नेबर नहीं होना चाहिए। एस का नेबर अगर आर नहीं होगा तो डेफिनेटली आर यहीं जाएगा, ठीक ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई पी और यू तो ये वाली लाइन पर आने वाले हैं, तो अब आपके पास जगह तो सिर्फ यही वाली दो दिख रही है ना, यही वाली दो जगह दिख रही है,
इसके लिए, तो इसको सेट कर दो पहले, q यहाँ, w यहाँ। अब पता है कि w के बगल में u यहाँ नहीं हो सकता, तो p को यहाँ रखो, u को यहाँ रखो, क्वेश्चन सॉल्व। काजू कतली भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, काजू कतली ट्रिक पता है आपको, तो आप वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है गलत हो जाता है हमसे, लेकिन सिंपल सी चीज है कि आपको तो यहाँ पर डायरेक्ट समझ में आ रहा था ना भाई कि आपको एस को इनसाइड ही लेना पड़ेगा, आप आउटसाइड ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है पी और यू वाली कंडीशन के लिए कि यू आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। अगर आप लोग मेरे कोर्सेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, BC10 या फिर AL10 कोड इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, मैं कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ थोड़े से बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो जो सुनना चाहते हैं वेट करिए, बाकी जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कल से दोस्तों एक अर्थमेटिक का कोर्स चालू होने वाला है, कल से एक अर्थमेटिक का कोर्स चालू होने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपसे अर्थमेटिक नहीं बनता है, अर्थमेटिक वीक है, समझ में नहीं आता है, तो आपको सिर्फ मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर या फिर बैंकिंग क्रॉनिकल के टेलीग्राम चैनल पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, टाइम एंड वर्क का। मैंने कल एक क्लास ली थी यूट्यूब पे, टाइम एंड वर्क, 40 मिनट की क्लास थी, उसमें मैंने सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन करवाए हैं टाइम एंड वर्क के। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो मान के चलिए कि आपको पूरा अर्थमेटिक समझ में आ जाएगा। तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए, जिसने नहीं देखा उसको देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको अर्थमेटिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर थोड़ी बहुत चीजें भी उसमें समझ में आ गई तो मतलब मान के चलो कि डेफिनेटली इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ मतलब इतना जो पेपर निकालने के लिए मोर देन सफिशियंट है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो ये जो कोर्स आने वाला है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, खासकर न्यू स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, इस कोर्स में कौन कौन सी क्लासेस होंगी मैं दिखा देता हूं। ये देखो परसेंटेज की क्लास है, ये देखो परसेंटेज की क्लास दिख रही है आपको, परसेंटेज की 2 क्लासेस होंगी, रेशियो प्रोपोर्शन की 2 क्लास, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन की 3 क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास, फिर ये डीआई बेस्ड है, फिर टाइम एंड वर्क की 2 क्लास, बोट्स एंड स्ट्रीम की 2 क्लास, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम का डीआई, मेंस लेवल का डीआई, और उसके बाद फिर जितने भी हैं वो पूरे डीआई हैं, ये हाई लेवल प्रोबेबिलिटी की भी 2 क्लासेस है, और फिर सारे डीआई, मतलब मेंस लेवल के डीआई भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अभी आरआरबी पीओ मेंस में जो भी लेवल के डीआई आएंगे उस लेवल के क्वेश्चंस मैं इस कोर्स में करवाऊंगा। अगर दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मेरा रीजनिंग का भी नया बैच चालू हुआ है अभी 2 जुलाई से, जो कि अभी अभी जस्ट चालू हुआ है, ज्यादा क्लासेस मिस नहीं हुई है। अगर आप नए बैच के लिए वेट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि 3 अगस्त से फिर से रीजनिंग का एक नया बैच भी आ रहा है, तो आप वो भी अटेंड कर पाओगे, क्योंकि सारे के सारे बैचेस जो होते हैं वो सारे इंक्लूड रहते हैं, आपको अलग अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। अगर आपका कोई रनिंग बैच जो चल रहा है वो मिस हो गया थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सब्सक्रिप्शन में अपने देख सकते हो। बस ये है कि आप अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसकी फीस है 6,000, अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसकी फीस है 7,200। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं, जो कोड मैंने आप लोगों को बताया है, BC10 या फिर AL10, ये कोड याद रखिएगा, अंकुश लांबा 10, बैंकिंग क्रॉनिकल 10, तो सिर्फ इनिशियल्स लेने आपको, BC10 AL10, तो इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 6,480 में आप कोर्स ले सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इसकी फीस है 5,400, इसकी फीस है 6,480, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनर्स नए नए अभी अभी तैयारी चालू किए हैं उनके लिए 2 साल सफिशियंट रहता है, और बाकी लोगों के लिए 1 साल भी मोर देन सफिशियंट है। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, इसमें आप सारे टीचर की क्लासेस देख सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी ही क्लास देख पाओगे, आपको जिसकी मर्जी आप उसकी क्लास देखो, अगर मेरी क्लास नहीं हो रही किसी दिन, किसी और टीचर की क्लास हो रही है, आप उसको भी देख सकते हो। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा किसी एक टीचर को फॉलो करो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो किसी एक टीचर को फॉलो करो, बट ये है कि समझ में आ रहा है कि नहीं पहले ये चेक कर लो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात होती है ना भाई, अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरी क्लास में आ जाओ रीजनिंग पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको मेरी क्लास में समझ में आ रहा है या नहीं ये आपको डिसाइड करना है। मैं अगर आपको बोलता हूँ भाई अर्थमेटिक के लिए मेरी क्लास में आ जाओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मैंने बोला यूट्यूब पर आप पहले वो वाली क्लास देखिए, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो ही आप मेरी क्लास में आइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बेशक, आप बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी की भी क्लास में जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है फिर।
लेकिन अगर वो वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई समझ में आ रहा है बहुत इजीली तरीके से, तो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस में आइए। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि 1 मंथ की जो फीस होती है वो 1200 रुपए होती है। 1200 में आप एक भी कोर्स अच्छे से अटेंड नहीं कर पाओगे और मोर देन 20 कोर्सेस मेरे अवेलेबल है, मोर देन 20 कोर्सेस। तो आप सारे कोर्सेस अगर देखना चाहते हैं, क्योंकि सब में मेंस लेवल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के हाई लेवल पजल्स, न्यू पैटर्न पजल्स, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस जो मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस है वो हाई लेवल के डीआई, मेंस लेवल के डीआई और टॉपिक बेस्ड डीआई, अर्थमेटिक डीआई, ये सारी क्लासेस मेरे इन 20+ कोर्सेस में मौजूद है ऑलरेडी। तो आप इनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, साथ ही साथ जो नए बैचेस आते रहते हैं हर 1 से 1.5 महीने में नया बैच आता है, आप कोई सा भी बैच अटेंड कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट रहता है 1 ईयर या 2 ईयर, क्योंकि ये 4.5 महीने की फीस में ही आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो फायदेमंद तो है, जो प्लस वाले हैं वही आपको बता सकते हैं कि प्लस का इंपॉर्टेंस क्या है और प्लस में बेनिफिट है या नहीं है। काजू कतली कल वाली क्लास में मैंने समझाया था, कल जो यूट्यूब पे हुई थी पजल की, कल नॉनस्टॉप 2 घंटे की क्लास हुई थी बैंकिंग क्रॉनिकल पे, उसमें 12 पजल मैंने करवाए थे, उसमें मैंने समझाया था अच्छे से। चलिए तो खत्म करते हैं दोस्तों, कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है और आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, बिल्कुल इस कोड का इस्तेमाल करिए, BC10 या फिर AL10, कोई सा भी कोड इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही मेरे कोड हैं। डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, पुराने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स, आने वाले कोर्सेज का एक्सेस और दूसरे टीचर्स की क्लासेस का भी एक्सेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई भी कोड लगा सकते हो, दोनों में सेम बेनिफिट्स है। थैंक यू, हैव अ नाइस।